हेलो फ्रेंड, दिस इज आदर्श कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब सिंह। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दे, सो डेट हमारे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईमेल में मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम इस वीडियो में आपको टॉप 7 CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट कमांड के बारे में बताएंगे। देखिए, दो तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं, एक होता है COI और एक होता है GUI। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो नाम क्या विंडोज प्रोवाइड कराता है। जैसे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं किसी भी चीज को, तो ग्राफिकल। एक होता है CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब कमांड के थ्रू एक्सेस करना, मतलब उसमें कोई भी नाम क्या ग्राफिक का यूज नहीं होगा, कोई भी GUI, कोई भी पिक्चर का यूज नहीं होगा, उसमें हम कमांड के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। जैसे कुछ इस तरीके से कलर कमांड, मेक डायरेक्टरी कमांड, टास्क लिस्ट कमांड, टाइप कमांड, IP कन्फिग, एग्जिट और CLS। क्योंकि जो GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ये GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बहुत स्लो होता है, क्योंकि इसमें हमें जाके ये एट्रेक्टिव तो होता है बट ये बहुत स्लो होता है। पर जो CUI होता है ये थोड़ा बोरिंग लगता है कि इसमें आपको नंबर ऑफ कमांड्स याद करने पड़ेंगे, बट ये वेरी फास्ट होता है और इसको हम हैक नहीं कर सकते। जैसे लिनक्स ये CUI पे ही काम करता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस पे, और जो विंडोज होता है वो ग्राफिक पे काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये 7 कमांड बताएंगे। जैसे कलर कमांड, कलर कमांड क्या होता है, जैसे आप CMD में देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो व्हाइट कलर रहता है, उस पर जो भी हम कमांड टाइप करते हैं तो इससे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला कलर कमांड, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे MKDIR, मतलब मेक, MK फॉर मेक और DIR फॉर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी तो आप जानते हैं, जो नाम क्या एक तरह का कंटेनर जिसके अंदर अपना फाइल और नाम क्या रिलेटेड डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी भी रख सकते हैं। तो मेक डायरेक्टरी, इसे हम डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी को सिंपल वर्ड में बोले तो फोल्डर, ठीक है। तीसरा कमांड हमारा टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट मतलब हमारे नाम क्या बैकग्राउंड में कितने टास्क, मतलब कितने काम चल रहे हैं, उसको हम टास्क लिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। चौथा कमांड है टाइप। टाइप में बताया गया कि आपका जो फाइल है, जब आप वो फाइल का आप टाइप लिखेगा तो उसके अंदर क्या कंटेंट, मतलब क्या लिखा हुआ है, वो आपको बताएगा। फिफ्थ कमांड है IP config। IP config मतलब IP config मतलब कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपके जो सिस्टम है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है उसका एक IP होता है। IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब IP एड्रेस होता है उसको, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके नेटवर्क में। कोई भी सिस्टम का यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका नाम क्या रोल नंबर होता है, आईपी की तरह यूज करता है आपका रोल नंबर, क्योंकि वो यूनिक होता है, वो किसी दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता है, अगर सेम होगा तो कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो वैसे ही हर सिस्टम का एक आईपी होता है, IP config। सिक्स्थ है एग्जिट, कि मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट से सीधा उसको नाम क्या मैनुअली उसको जाके कट में से नहीं कट करेंगे, सीधे एग्जिट लिखेंगे तो कट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है CLS, CLS फॉर क्लियर कमांड। क्लियर कमांड क्या करता है कि जितना भी आपके नाम क्या कमांड प्रॉम्प्ट में है उसको क्लियर कर देगा। तो चलिए हम अपना यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। तो हम नाम क्या विंडो R प्रेस करेंगे, चाहे यहाँ से हम सर्च में भी जाके CMD लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने CMD लिख रखा है, हम इसको ओके करेंगे। देखिए ये CMD खुल गया, ठीक है। तो CMD में हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ये भी एक तरह कमांड होता है, CD चेंज डायरेक्टरी, मतलब अभी हम डेल फोल्डर में हैं, तो हम CD करके चेंज डायरेक्टरी फोल्डर करके हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेस्कटॉप, DESKTOP, डेस्कटॉप लिखेंगे तो हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे आ गया, तो हमारा पहला कमांड क्या है, IP config। हम आपको ये लिख के बताते हैं, IP CONFIG। देखिए हम IP config लिखे तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल गया है। देखिए यहाँ पे आपको IP config, तो ये नाम क्या, देखिए आपको मीडिया स्टेटस बता रहा है, देखिए फिर यहाँ पे वायरलेस लैन के बारे में बता रहा है, टनल एडेप्टर बता रहा है, ठीक है। ये देखो अब IP config में हम यहाँ पर IP में अगर यहाँ पे स्पेस देंगे तो देखिए यहाँ से आपको अपना IP भी बता सकता है। आपको IP config कमांड के लिए आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू ही आपको पता चलता है, क्योंकि वो इंटरनेट को ही यूनिक, इंटरनेट पे ही इंटरनेट पर ही किसी एक सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इसलिए आपको मेक श्योर आपका जो कनेक्शन है वो इंटरनेट से ऑन रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको IP config कमांड लिख के दिखाएंगे, IP CONFIG। और
लोअर केस और अपर केस का ध्यान रखेगा। इट मींस डैट आपका जो अल्फाबेट जिसमें हम जिस ऑर्डर में हमने लिखा है, मतलब हमने अगर नाम क्या है उसको स्मॉल में लिखा है तो आप स्मॉल में ही लिखिएगा, आप और हमने कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल का यहाँ पे वेरी कर जाता है। ठीक है, हम आईपी कॉन्फ़िग लिख देंगे। देखिए यहाँ पर आ गया इथरनेट अडैप्टर, आपका इथरनेट से नाम क्या है, नाम क्या इंटरनेट आ रहा है, वायरलेस लैन अडैप्टर आ गया। देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेगा वायरलेस लैन अडैप्टर वाईफाई में, देखिए यहाँ पर ये IPv4, ये मतलब यहाँ पे वर्जन 4 है। ठीक है, आईपी के दो वर्जन होता है IPv4 IPv6, तो IPv6 जो है अभी वो नाम क्या है डेवलपमेंट फेज में, अभी वो बहुत कम है, अभी सबको IPv4 ही असाइन होता है जो 32 बिट का हमारा एड्रेस है। तो ये देखिए इस सिस्टम का IPv4 है 192.168.1.210, मतलब 192, मतलब ये जो है ये किसका है, ये सी क्लास का है। आईपी के भी क्लास होते हैं ABCDE, इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, वो वीडियो बन सकता है। ये देखिए 32 बिट का है, ये जिसका 32 बिट मतलब 1, 2, 3, और ये 4 ऑक्टेट में बटा होता है, एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। तो देखिए 8 8 8 8, मतलब 8 4 जा 32, मतलब ये 32 बिट का IPv4 32 बिट का, और IPv6 128 बिट का होता है, तो वो अभी डेवलपमेंट फेज में है IPv6, और ये IPv4 है जो अभी ज्यादा यूज हो रहा है। लगभग ये अप्रोक्स ये पूरा फुल होने वाला है। देखिए देखिए अब सी क्लास का सबको, जो भी आप नया सिस्टम लीजिएगा अब वो सी क्लास या डी क्लास का ही मिलता है, क्योंकि ए भी फुली फुल हो चुका है, अब वो आईपी एड्रेस किसी को एक्लोट नहीं होता, उसके अंदर जितना भी आईपी एड्रेस था वो सबको मिल चुका है। तो चलिए हम अपने अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड कमांड है मेक डायरेक्टरी, मतलब MKDIR, मेक डायरेक्टरी, ये मतलब डायरेक्टरी बनाने के लिए काम आता है, जो हमारा फोल्डर रहता है। तो MKDIR लिख दिया, और हम यहाँ पर एक गोपाल नाम का फोल्डर बना लेते हैं, GOPAL। बेसिकली इस कमांड में क्या लिखना है, पहले तो आपको MKDIR लिखना है मेक डायरेक्टरी, और जो डायरेक्टरी बनाना है उसका नाम लिखना है गोपाल। तो हम इसे अब एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर डायरेक्टरी बन चुका है, हम यहाँ पर अपना डेटा बंद कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको हम नाम क्या डेस्कटॉप पर जाके दिखाएंगे। ओ ये मतलब गलती हो गया, देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, पहले आपको चेंज डायरेक्टरी कर लेना है, क्योंकि अभी ये डेल के अंदर है, तो जो गोपाल बना होगा डेल के अंदर बना होगा, तो इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं, RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, गोपाल को पहले हम रिमूव कर लेते हैं, गोपाल को हमने रिमूव कर लिया यहाँ से। पहले हम सीडी कमांड से, एक सीडी भी एक तरह का कमांड होता है, चेंज डायरेक्टरी कमांड, तो सीडी कमांड से पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाए, जो डेट हम आपको दिखा सके कि एग्जैक्ट पे बना है। देखिए अभी यहाँ पे कोई गोपाल नाम का आपको कोई यहाँ पे फोल्डर नहीं दिख रहा है, आप नाम का स्क्रीन पाउज करके भी देख सकते हैं, गोपाल नाम का कोई नहीं दिख रहा है, आप आपको येलो कलर का गोपाल नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, वो आपको दिखेगा। तो हम लिखेंगे CD, यहाँ पे लिखेंगे क्या नाम क्या है CD, हमें डेस्कटॉप पे आना है तो डेस्कटॉप लिखेंगे DESKTOP, हम डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। देखिए हमारा डायरेक्टरी चेंज हो गया, हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या MKDIR मेक डायरेक्टरी, और गोपाल नाम से बनाना है तो GOPAL गोपाल नाम से बनाएंगे, हिट एंटर करेंगे। जैसे हमने हिट एंटर किया, इसको मिनिमाइज करके देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे गोपाल नाम का एक फोल्डर आ चुका है। मतलब आपने इस MKDIR से दो कमांड सीखे, बेसिकली दो नहीं तीन कमांड सीखे, एक तो CD चेंज डायरेक्टरी, और MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी, और RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी। तो ये हमारा सेकेंड कमांड था। अब तीसरा कमांड है टास्क लिस्ट, तो देखिए हम टास्क लिस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे TASKLIST। टास्क लिस्ट टाइप करते ही जो हमारे बैकग्राउंड में जितने भी टास्क चल रहे होंगे वो सब ओपन होंगे। देखिए ये कंसोल पे ओपन हो गया, देखिए कितने सारे टास्क हमारे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। देखिए ये इमेज नेम है, मतलब ये टास्क जो चल रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आईडी है, हर प्रोसेस मतलब हर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज प्रोसेस, तो प्रोसेस का आईडी है ये। ठीक है, हर प्रोसेस का आईडी होता है, जैसे हर नाम के आपका भी आईडी होता होगा, आप किसी स्कूल क्लास में पढ़ते होंगे तो ये प्रोसेस आईडी है। देखिए यहाँ पे सेशन नेम लिखा है, सब सर्विस है यहाँ पे सेशन, और ये मेमोरी यूज है, कितना मेमोरी यूज किया गया, जैसे 4KB यूज किया इस प्रोसेस ने, 8KB यूज किया, तो ये अपना टास्क लिस्ट है। हम अपने अगले कमांड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रीन हमारा भर गया है पूरा, तो हम CLS क्लियर कमांड भी यूज करके हमको क्लियर कर सकते हैं। देखिए सब गायब हो गया, हम अगले कमांड की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा कमांड है टाइप TYPE, लोअर केस और अपर केस का ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहे हैं हम टाइप। ये क्या करता था कमांड, ये किसी भी फाइल के कंटेंट को बताता था टाइप। तो देखिए टाइप है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए एक फाइल है, नाम क्या टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर देखिए कंटेंट क्या है, हम इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे ओपन है, ये देखिए नोटपैड पे है ओपन, हम इसको यहाँ से बेसिकली ओपन कर लेते हैं। देखिए ये तो ये था। ठीक है, यहाँ से हम इसको पहले कट करेंगे, डोंट सेव। ठीक है,
यहाँ से नोटपैड को देखेंगे। देखिए नोटपैड में खुल गया, यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। देखिए इसके अंदर कंटेंट क्या लिखा है, हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब सी। तो देखिए हम इसका कंटेंट कैसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड टाइप। टाइप लिखेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे, क्या है फाइल के नाम को हम देखेंगे कि किस केस में लिखा गया फाइल का नाम। देखिए ये पहला वर्ड कैपिटल है इसका और बाकी सब स्मॉल है, तो हम यहाँ पे भी पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे FILE फाइल वन, और किस टाइप का है उसका एक्सटेंशन भी लिखेंगे TXT, मतलब ये टेक्स्ट टाइप का है। हम देखिए यहाँ पे फाइल वन डॉट TXT टाइप कमांड के साथ हमने फाइल का नाम लिखा और उसके साथ किस एक्सटेंशन का है किसके तो हमने लिखा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट की तरफ क्या आया, हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब सिंह। जो इस फाइल में कंटेंट था वो कंटेंट हमें पूरा विजिबल हो गया। देखिए जिस फाइल में था यहाँ पर लिखा था ना, हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब सिंह। देखिए ये कंटेंट नाम क्या आपको दिखा। चलिए हम अपने अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो कलर कमांड है। ठीक है तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं, CLS कमांड से हमने क्लियर कर लिया। अब हम कलर कमांड की तरफ बढ़ेंगे, COLOR। आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा कि कलर का स्पेलिंग तो COLOUR होता है ना, बट COLOR इसलिए होता है क्योंकि जो लैंग्वेज डेवलप किया गया था जो डेस्कटॉप का, ये USA लैंग्वेज में किया गया था। जितने भी आजकल जो भी सॉफ्टवेयर होता है सब तो आजकल USA डेवलप करता है, तो हम USA का लैंग्वेज यूज नहीं करते, हम तो नाम क्या इंग्लैंड का इंग्लिश यूज करते हैं ना। तो इसमें इंग्लैंड के इंग्लिश में होता है COLOUR, बट US के इंग्लिश में होता है कॉलर COLOR। इसलिए क्योंकि जो नाम क्या विंडोज बना था उसको बिल गेट्स ने नहीं बनाया था, और बिल गेट्स कहां से बिलोंग करते हैं, USA से, तो इसलिए COLOR कलर होता है। ठीक है हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे COLOR हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो देखिए इसका कलर रेड हो जाएगा। हम यहाँ पे अपर जो हमारा एरो है उससे भी हम पूरा कमांड लिख सकते हैं, बैक स्पेस करके यहाँ पे हम 3 दे देंगे तो देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए ये नाम क्या कुछ इस रंग का हो गया, फिर हम COLR करके यहाँ पर 2 दे देंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, और हमें व्हाइट फिर से लाने के लिए COLR याद रखिएगा 7 करेंगे तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो इसके साथ हमारा कलर कमांड भी हो गया, तो हम CLS करके क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद आएगा एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड के लिए हमें क्या करना है कि हमें सीधे नाम क्या उसको हम बाद में ट्राई करेंगे, क्योंकि एग्जिट कमांड से ये बेसिकली पूरा हमारा ये जो कंसोल दिख रहा है मतलब CMD का जो नाम क्या ये इंटरफेस है ये क्लोज हो जाएगा। उससे पहले हम आपको क्लियर स्क्रीन कमांड बता, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक हिट एंटर किया कुछ लिखा, ठीक फिर यहाँ पे कुछ लिखा, फिर हिट एंटर किया कुछ यहाँ पे लिखा, हिट एंटर किया, देखिए ये हमारा पूरा स्क्रीन भर गया। तो हम CLS कमांड से इसको क्लियर कर सकते हैं, देखिए क्लियर हो गया, और EXIT एग्जिट कमांड से ये पूरा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में आपके लिए टॉप 7 कमांड्स लेके आए थे, उस कमांड के अंदर भी बहुत कमांड थे, तो आप कम से कम अप्रोक्स 10 कमांड्स हो गए होंगे। तो इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसका लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी नाम के आपको वो कन्फ्यूजन होंगे उसको आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमें इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।